नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिली जानकारी के अनुसार लॉस एंजल्स के 50 वर्षीय एक डेंटिस्ट पर 9 मरीज के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। अभियोजकों का आरोप है कि घटना 2013 और 2018 के बीच डेंटिस्ट के क्लिनिक की है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय के मुताबिक पीड़ितों में 27 साल की उम्र से लेकर 73 साल तक की महिलाएं शामिल हैं। अहमद फैती मोहिवार सोमवार को अदालत में सुनवाई के लिए हाजिर हुआ था। पिछले गुरुवार को उसे गिरफ्तार भी किया गया था और सोमवार को उसके खिलाफ आरोप भी लगा था। कोर्ट में बुधवार को उसे फिर पेश होना होगा। लॉस एंजल्स काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चार्ल्स गैस्कॉन ने बताया कि आरोपी उन मरीजों का निशाना बनाता था जो उसके अपराध की रिपोर्ट लिखा नहीं सकती थी। उन्होंने अन्य पीड़ित से आगे आकर मामला सामने लाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने कहा यह प्रकरण विशेष तौर पर चित्ताजनक है क्योंकि पीड़ित में कम आमदनी वाले लोग और प्रवासी शामिल हैं जिनके खौफ के कारण अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने की कम संभावना होती है। हम संभावित अन्य पीड़ितों से आगे आने को कह रहे हैं और हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद करें। मामले से जुड़ी किसी तरह की जानकारी होने पर लोगों को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। ताजा आरोपी पर आरोप लंबी जांच के बाद लगा है। शुरुआत में एक महिला रोगी ने उसके खिलाफ 2019 में यौन हिंसा और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। उसका कहना है कि एक बार डीप क्लिनिक के लिए गई थी, उस वक्त आरोपी ने अपने हाथ उसके शर्ट पर रखा और एनेस्थीसिया की हालत में होने के बावजूद छेड़छाड़ करने लगा। उसने फौरन विरोध करने की कोशिश करी और घटना की जानकारी चंद बाद उसके डेंटल असिस्टेंट और सेक्रेटरी को दी गई। कानूनी दस्तावेज के मुताबिक सेक्रेटरी ने जवाब दिया, हम जानते हैं लेकिन उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।